नमस्कार साथियों, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, चर्चा होगी एपीएस सिलेबस पद कितने हैं इसकी चर्चा होगी, साथ ही साथ जो नडाल ने रिकॉर्ड तोड़ा जो है बराबरी कर ली है उसकी चर्चा होगी फ्रेंड, और बीयू भर्ती कब आ रही है। तो इन तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और बात होगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के क्या है, और मुख्य परीक्षा जो पीसीएस से वैकल्पिक विषय के बारे में। तो इन तमाम तरह की खबरों को चलिए देखते हैं फ्रेंड। पहली खबर जो आज तमाम समाचार पत्रों में छाई हुई 22वें ग्रैंड स्लैम के साथ जोकोविच ने की नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि जीएस के प्रश्न यहाँ से बनेंगे और जीएस में जो पूछा जाएगा फ्रेंड इसमें नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी नहीं पूछा जाएगा किसने किया, ये पूछा जाएगा जोकोविच का संबंध जो है कहाँ से है। इनको ये सर्बिया से संबंध रखते हैं फ्रेंड और ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियन बन गए हैं। तो जोकोविच के बारे में पूरा डिटेल्स में जो है यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड, 22 नंबर का ट्रैक सूट पहन कर लिए इन्होंने ट्रॉफी, ये भी चीज़ दिखाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये फ्रेंड सिलेबस है जो प्लान एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएस, द स्पीड ऑफ 80 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी शॉर्ट हैंड एंड 25 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग इज एसेंशियल। तो प्रारंभिक तौर पे ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू ट्रांसक्राइब द डेडिकेटेड प्रोज इन 0.5 मिनट्स इन द डिटरमाइंड स्पीड बाई टाइप राइटर। तो ये सारी चीज़ें दी गई, 1 आवर टाइम दिया जाएगा। आगे की बात कहा जा रहा है कि अ टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड जनरल इंग्लिश विच इज ऑप्शनल रहेगा वो। अब यहाँ पेपर फर्स्ट में देख लीजिए, जनरल नॉलेज जो होगा फ्रेंड मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, टाइम 2 आवर्स के होंगे, एब्रीवेशन रहेंगे, फेमस बुक एंड देयर राइटर्स रहेंगे, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, साइंस से रहेंगे, हिस्ट्री रहेंगे, ज्योग्राफी रहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहेंगे, ज्योग्राफी से जो रहेंगे वो इंडिया रिलेटेड 4 क्वेश्चन रहेंगे, वहीं यूपी से 6 क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से 10 रहेंगे, स्पोर्ट्स से 10 रहेंगे, ये टोटल यहाँ दिया गया। हिंदी में जो है अपटित गद्यांश पत्र मुहावरे विभिन्न शब्दों के एक शब्द जैसा कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में होता है वही सिलेबस से 10-10 अंक यहाँ पे होंगे। वाक्य शुद्धिकरण वगैरह जो है पर्यायवाची विलोम दिए गए हैं। पेपर थर्ड जो रहेगा हिंदी शॉर्ट हैंड रहेगा, मैक्सिमम 135 रहेगा, और पेपर फोर्थ में हिंदी टाइपिंग रहेगी, मैक्सिमम 15 मार्क्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मार्क्स जो फॉलोस किया जाएगा वो 15 से 29 यदि रहेगा तो स्पीड तो 10 मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा अगर मोर देन 50 होता है तो 15 मार्क्स होंगे, 45 से 49 होगा तो 14 मार्क्स होंगे। ये मार्क्स डिवाइड किए गए हैं फ्रेंड। पेपर फिफ्थ जो होगा जनरल इंग्लिश का होगा, मैक्सिमम जो 50 मार्क्स होंगे, करेक्शन दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, ट्रांसलेशन जो हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स और इंग्लिश टू हिंदी 10 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश एससी के 20 मार्क्स होंगे। पेपर सिक्स जो होगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड होगा। इस प्रकार से पूरा आप ये देख लीजिएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीसीएस मुख्य परीक्षा से खत्म हो सकता है वैकल्पिक विषय, भी पूरी तरह से मोहर नहीं लगी, शासन को भेजा गया ये प्रस्ताव पर जल्द ही मंजूरी मिलने की आशा है, और विज्ञापन जो होगा वो एपीएस का जल्द आ सकता है। उसके पहले आपको बीओ का विज्ञापन देखने को मिलेगा फ्रेंड, क्योंकि बीओ के विज्ञापन में पदों की संख्या बहुत कम है और उन पदों को भरना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बहुत सारे काम जो बीओ के माध्यम से ही संपन्न होते हैं और पद अगर खाली रहेंगे तो ब्लॉक पर जानी रहेंगे, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी, इसलिए उस भर्ती को लेकर के जो है आयोग जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगा। जहां तक जानकारी है कि फरवरी माह में उसका विज्ञप्ति जो है जारी हो जाएगी। अप्रैल में एग्जाम की जो चर्चा है वो अप्रैल में एग्जाम है फ्रेंड, अभी कोई चीजें जो है आपको दिखी नहीं होंगी तो आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आप ये मान चलिए कि बीओ का नोटिफिकेशन जल्द आएगा और अप्रैल में एग्जाम्स जो है आयोग करा सकता है। तो यहां पे प्रतियोगी छात्र को जो मेंस की बात उठाई थी उसके लिए जो है आयोग की तरफ से प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, तो अगर इसकी मंजूरी मिल जाएगी तो स्केलिंग का विवाद भी खत्म हो जाएगा, और वहीं पे जो विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को जो मानविकी विषय के अभ्यर्थी ज्यादा अंक मिलते हैं इसकी भी शिकायत जो है अक्सर करते रहते हैं, फिर स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाने, इन तमाम तरह की जो है उस पर जो विवादों पे जो है विराम लग जाएगा फ्रेंड, और विषय खत्म करने का अभियान काफी दिन से विद्यार्थियों ने चलाया है, तो जब भी इस पर मोहर लगती है उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा पीसीएस का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदी अनुवादक के 441 पदों पर होगी भर्ती, कनिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक के 441 पदों पर भर्ती होगी। परीक्षाएं कराने के बाद कर्मचारी चयनों के सस्सी ने यह घोषणा की है फ्रेंड। 23 विभागों में जो मंत्रालय होते हैं वहां पे जो दोनों परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थी से जो 29 जनवरी तक जो विकल्प ले लिया गया है, आने वाले कुछ दिनों में अंतिम परिणाम जारी करने की तो है तैयारी है। वहीं अगली खबर के नौकरी दौड़ में 964 अभ्यर्थी सफल, 364 फेल हो गए, ये बात हो रही है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो एनटीपीसी लेवल 1 जो है ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है ऐसा हुआ कि अनुपस्थिति जो थे कुल 172 अभ्यर्थी अनुपस्थित भी थे, तो ये दौड़ की जो अपडेट है कि इसमें 364 अभ्यर्थी फेल हो गए, बाकी 964 जो है सफल हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो एपीएस में संशोधन किया गया फ्रेंड, ये भी राजपत्रित कर दिया गया है, इसको समूह ख के अंतर्गत कर दिया गया है और नीलिट की से CCC और इससे उच्च अर्हता जो मान्य होगी, कंप्यूटर पर ही टंकड़ होगा इसका, और पदों की संख्या जो कि 612 से बढ़ाकर 730 कर दी गई है, और एज वगैरह वही होती जो उत्तर प्रदेश में होती है, 3 सालों से नई भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे थे, अब इसमें जो है 2021 में भर्ती निरस्त कर दी गई थी जिसका विवाद हाईकोर्ट में लंबित है, तो अब इसका जो नोटिफिकेशन जल्द जो है आने को है एपीएस का, क्योंकि 300 से अधिक पदों के लिए जल्द विज्ञापन आने के आसार है। महानिदेशक विजय किरण आनंद के साथ मिलने के बाद जो है मंत्री के द्वारा धरना खत्म करने के बाद, पूर्व मंत्री जो थे सिद्धार्थनाथ सिंह जी के द्वारा जो धरना खत्म कर दे, उसके बाद जो विद्यार्थियों को अब ये समझ में जो है नहीं को धरना दें कि विद्यार्थियों का कुछ पोर्टल खुलेगा ऐसा कुछ भी अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि परीक्षा जो है
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जल्द ही करा देगा, क्योंकि उसके लिए जो है अब समय भी नहीं है और आगे की प्रक्रियाएं भी करनी है, तो उसकी नोटिस जो जल्द आएगी देखने को मिलेगी फ्रेंड। बाकी की अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, फिर जो अपडेट होगी उससे आपको रूबरू कराया जाएगा फ्रेंड।